नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुश पांडे, आप देख रहे हैं टॉपिक स्टडी विच इज़ अ पार्ट अकेडमी ग्रुप। आप सबका तहे दिल से स्वागत है आज के नाइट 10 PM शो के अंदर। एंड मेरी आवाज़ आ रही होगी, बस कंफर्म कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्त। आज हम लेके आए हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, अभी हाल ही में दिए गए राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, सद्भावना पुरस्कार। तो उन सब पे हम आज बहुत ही तसल्ली से आपके साथ बातचीत करेंगे, उन पे ही हम आपके साथ सवाल लाएंगे। ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में 100% आते हैं। या तो सवाल आएगा कि ये फलां खिलाड़ी कौन से स्पोर्ट से है, या फिर सवाल आएगा कि राजीव गांधी अवार्ड किसको मिला या अर्जुन अवार्ड किसको मिला, ये सवाल आपके आते हैं। तो इनसे कम से कम 2 से 3 नंबर के सवाल तो आपके आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारे आज के पहले सवाल पर, जो कि अब आपके सामने स्क्रीन पर आ। एंड दोस्तों ये रहा आपके सामने वो सवाल। सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि है 29 अगस्त। 29 अगस्त को मनाया जाता है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस। जो लोग नहीं जानते हैं, इस दिन को जन्मदिन होता है भारत के बहुत ही महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद जी का, और उसी दिन को जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है उसे मनाया जाता है। आगे बढ़ें। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा वर्ष है जिस साल इसको स्थापित किया गया? का आंसर है ऑप्शन, जो कि है आपका 1991। जो पहले खिलाड़ी थे जिनको ये अवार्ड मिला था, उनमें पहले खिलाड़ियों में वो थे आपके विश्वनाथन आनंद। उसके बाद कई और खिलाड़ी आए, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, वो पहले क्रिकेटर थे जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। फिर तो खैर विराट कोहली का नाम भी आया, एम एस धोनी का नाम भी आया, तो कई खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिल चुका है। देखिए, मैंने पूछा था आपसे, सवाल आ भी गया, हु वॉज द फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ द राजीव खेल रत्न अवार्ड? राजीव खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता इनमें से कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विश्वनाथन आनंद। एक सवाल आपसे आ सकता है जिसकी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, विश्वनाथन आनंद का ताल्लुकात किससे है? उत्तर होगा चेस। होमी मोतीवाला आपको बताना है, गीत सेठी का तो खैर स्नूकर से है, और लियांडर पेस का लॉन टेनिस से है। ये बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं लॉन टेनिस के, इनका नाम है लियांडर पेस। महेश भूपति के साथ इन्होंने कई लेजेंडरी ग्रैंड स्लैम्स टेनिस में जीते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन काल की उपलब्धि के लिए सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? इनमें से लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किस खेल पुरस्कार को दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ध्यानचंद अवार्ड। ये वो पुरस्कार है जो दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए स्पोर्ट्स के अंदर। ओके, स्विचनी को दिक्कत की बात नहीं, हम इसको थोड़ा साइड कर देते हैं आपके लिए, 1 सेकंड। ओके, दिख रहा है बच्चों को, पूरा दिख रहा है? ओके, दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को राजीव खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए नामांकित किया गया है। दीपा मलिक निम्न में से किस खेल संबंधित है? इनको हाल ही में अवार्ड दिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल दोस्तों आपसे है कि इनका संबंध इनमें से कौन से स्पोर्ट से है, कौन सा स्पोर्ट है जिनसे इनका संबंध है, ये सवाल मेरा आपसे है। तो इसका जो आंसर आपके सामने दोस्तों होने वाला है वो आ जाएगा ऑप्शन बी, पैराथलेटिक्स। इन्होंने पैराथलेटिक्स में ओलंपिक्स में जीते हैं सिल्वर मेडल्स, और उससे इनका ताल्लुकात है, और उसी वजह से इनको ये सम्मान यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है दीपा मलिक। और बजरंग पुनिया कौन है? बजरंग पुनिया जो हैं उनका ताल्लुकात आपका रेसलिंग से या फिर कुश्ती से है, और वो इस समय अपने कैटेगरी में वो दुनिया के नंबर 1 रेसलर बनकर सामने आए हैं। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। गुरप्रीत सिंह संधु जिनको अर्जुन पुरस्कार 2019 के लिए सम्मानित किया गया है, निम्न में से उनका संबंध किस खेल से है? नाम क्या है? नाम है गुरप्रीत सिंह संधु। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है फुटबॉल। फुटबॉल में ये गोलकीपर का रोल प्ले करते हैं, एक बार कंफर्म कर लेना, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, पर ये जहाँ तक मुझे जानकारी है ये गोलकीपर का रोल प्ले करते हैं, और इनको ये सम्मान दोस्तों मिला है। अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि बड़े बड़े खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो बैडमिंटन में आप याद कर सकते हो सौरभ वर्मा को, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत, PV सिंधु, साइना नेहवाल, पुरेला गोपीचंद, ये सब बैडमिंटन के हैं। टेबल टेनिस में आपको बता सकते हो 2 खिलाड़ी हैं जिनको आप याद कर सकते हो, उनके नाम आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। एक खिलाड़ी वो है जिसको बहुत सा नेशनल अवार्ड, नेशनल चैंपियनशिप मिली है। दूसरी खिलाड़ी जो है जो कि आपकी मोनिका जी हैं,
मनिका जी हैं उनको उनको भी कॉमनवेल्थ में गोल्ड मिला है आपका, तो वो भी आप यहाँ याद कर सकते हैं। फुटबॉल में नाम बता ही दिया, इसके अलावा एक ही प्लेयर और हैं जो कि आपको जानते होंगे, सुनील छेत्री। और आखिर में हॉकी, हॉकी में तो कई खिलाड़ी हैं जिनके नाम आप में से कई लोगों को पता होंगे, चाहे वो धनराज पिल्ले की बात करें, चाहे वो हम सरदार सिंह की बात करें, संदीप सिंह की बात करें, सबका संबंध किससे है आपका, हॉकी से संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चश्मा इसलिए लगाया है दोस्तों क्योंकि मेरी आँखें का पावर बढ़ गया है, तो ये सिर्फ इसीलिए लगाया गया चश्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे नामित किया गया है? जैसे मैंने पहले आपसे बताया था कि जो ध्यानचंद पुरस्कार है उसका जो संबंध था वो संबंध आपका था लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, तो इनमें से कौन वो ऐसे आपके खिलाड़ी रहे हैं जिनको उनके आजीवन योगदान के लिए दिया गया है ध्यानचंद का अवार्ड? इसका आंसर है ऑप्शन डी, संजय भारद्वाज। ये क्रिकेट से संबंधित है, इनको दिया गया है ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। दिख रहा होगा क्लियर, चलिए आगे बढ़ें, ले चलें आपको हमारे अगले सवाल पर जो कि ये रहा स्क्रीन पर। फवाद मिर्ज़ा जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2019 के लिए नामांकित किया है, निम्न में से किस खेल से हैं? नाम क्या है इनका? नाम है इनका फवाद मिर्ज़ा। किस कौन सा खेल है जिसे संबंधित हैं आपके ये खिलाड़ी? इसका आंसर है ऑप्शन बी इक्वेस्ट्रियन। काफ़ी हद तक ये घुड़सवारी से संबंधित है, पर ये एक हॉर्स राइडिंग का एक अलग खेल होता है। आप मुझे पता नहीं कि आपने देखा होगा, कई सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको कोशिश करूं बताने का यहाँ पर, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका घोड़ा है, बड़ा अजीब घोड़ा है, और ये एक ऑब्स्टेकल है आपका, फिर यहाँ पर मड है, फिर यहाँ पर ऑब्स्टेकल है, तो इनको कूद कूद के इनको पार करके जाना होता है। तो ये कुछ हद तक आपका इक्वेस्ट्रियन का ही स्पोर्ट है, और उसमें फवाद मिर्ज़ा को मिला है 2019 का अर्जुना अवार्ड। द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किस वर्ष शुरू किए गए थे? चार आपके ऑप्शन हैं, कब शुरू किया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड? द्रोणाचार्य जो कि अगर हम अपने ऐतिहासिक पारंपरिक टेक्स्ट की बात करें तो ये एक गुरुओं के महागुरु थे, और अर्जुन इनके शिष्य थे, और एकलव्य जिनका इन्होंने अंगूठा मांगा था वो भी इनकी पूजा करते थे, तो द्रोणाचार्य के नाम पर दिया गया था कोचिंग अवार्ड जो मिलता है हर साल। ये अवार्ड शुरू कब किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1985। तो यहाँ पर दो चीज़ याद रखिएगा आप लोग, फर्स्ट चीज़ कि 1991 में आपका आया था राजीव गांधी खेल रत्न, और 1985 में मतलब उससे करीब 6 साल पहले द्रोणाचार्य अवार्ड को शुरू किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्त। ध्यानचंद पुरस्कार इनमें से किस वर्ष शुरू किया गया? व्हेन वाज द ध्यानचंद अवार्ड स्टार्टेड? अगेन रिपीट, ये अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी जो कि है आपका 2002 में इसको दोस्तों जो है वो शुरू किया गया था। क्लियर हो रहा है सबको, समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जैसे कि राजीव गांधी पाने वाले पहले व्यक्ति विश्वनाथ आनंद थे, इनमें से वो कौन है जिनको ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था? उनका खेल कौन सा है वो भी देन दिया है ऑप्शन में, साथ ही में वो उनका नाम क्या है ये भी आपको बताना है। ये सारे थे अपर्णा घोष बास्केटबॉल, अशोक दीवान हॉकी, शाहूराज बिराजदार बॉक्सिंग, ये तीनों को अवार्ड में। एक बार चेक कर लें कि हमारी टेक टीम्स दिख रहा है बच्चों को क्लियरली? चलो दिख रहा होगा, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अच्छा सवाल है, सवाल आपके रेलवे एसएससी में आ सकता है। सवाल है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि कितनी है? व्हाट इज़ द अमाउंट, कितना राशि है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और जो राशि है वो है ऑप्शन डी 7.5 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपीज़ दोस्तों जो हैं वो दिए जाते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 7.5 लाख है आपका अगर राजीव गांधी खेल रत्न में, तो जाहिर सी बात है अर्जुन अवार्ड में आपका बिल्कुल बेहद कम ही होगा उससे, तो कितना है इसकी पुरस्कार राशि? इसका आंसर है ऑप्शन सी 5 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये है आपका फॉर राजीव गांधी, और 5 लाख रुपये माफ़ करना है आपका फॉर अर्जुन अवार्ड। जल्दी से आगे बढ़ते हैं।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी इनमें से कौन हैं? किसने सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, ये सवाल मेरा आपसे है। इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा, इन्होंने जीता है। एक उत्तर आपको देना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, कितनी उम्र में, क्या इनकी उम्र रही होगी जब इनको मिला होगा राजीव गांधी खेल रत्न, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में डालें तो बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम, ये अवार्ड इस साल मिला है दोस्तों, किस विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? कौन सा ऐसा वो आपका यूनिवर्सिटी है जिसको स्प्रेड करने के लिए और उनके परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया गया है? इसका आंसर है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की जो है उसको दोस्तों ये खिताब मिला है, उन्होंने इस खिताब को जीता। खिताब का नाम क्या है आपका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के कौन से मंत्री थे? शिक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, क्या थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नितिन किर रत्नाने को ध्यानचंद पुरस्कार 2019 दिया गया है, सवाल के लिए नामित किया गया है, यह निम्न में से किस खेल संबंधित है, इनका स्पोर्ट कौन सा है, इसका जवाब आपको देना है। तो इसका जो आंसर आपके सामने दोस्तों है वो है ऑप्शन बी, जो कि है इनका ताल्लुकात जो है वो आपका टेनिस से है, टेनिस के लिए दिया गया है नितिन के रत्ने को दोस्तों ये सम्मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल दोस्त, सवाल है द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन श्रेणी, मतलब कोचिंग के लिए ये अवार्ड मिलता है। देखिए कोचिंग में के दो हिस्से हैं, एक करंट जो कोच है, दूसरा कोचिंग में लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इनमें से किसे दिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों रहेंगे, संजय भारद्वाज क्रिकेट, रणबीर सिंह खोकर कबड्डी और मेजबान पटेल हॉकी, तीनों को ही दोस्तों ये सम्मान यहाँ पर जो है वो दिया गया है। किस लिए दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट, आजीवन इनके कार्य के लिए, इनको आजीवन के योगदान के लिए, इनको कोचिंग का सबसे बड़ा पुरस्कार द्रोणाचार्य वो इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? एक कोचिंग का होता है, एक कोचिंग के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट का होता है, जैसे कि मैं कोच हूं अभी तो मुझे मिल सकता है क्या द्रोणाचार्य अवार्ड, और अगर मैं पिछले 20 साल से कोच हूं और मैं अब शायद कोचिंग नहीं भी कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल सकता है? आजीवन योगदान के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड। क्लियर हो रहा है? बहुत ही डिटेल मैंने आज डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपका कम से कम दो नंबर तो हर एग्जाम के अंदर आए। आगे बढ़ते हैं। अंजुम मौदगिल को अर्जुन पुरस्कार 2019 के लिए नामित किया गया, वह निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्या खेल है आपके अंजुम मौदगिल का? मुक्केबाजी, शूटिंग, बैडमिंटन या फिर टेनिस, क्या खेल है अंजुम मौदगिल का? इसका उत्तर आपके सामने दोस्तों जो है वो है ऑप्शन बी, शूटिंग। शूटिंग के लिए इनको दिया गया। देखिए शूटिंग में कई और खिलाड़ी भी हैं जिनके नाम आपको याद करने चाहिए, चाहे वो अनिश भनवल हों, चाहे वो आपकी चाहे वो आपके पुराने खिलाड़ी हों, अभिनव बिंद्रा हों, इन सब के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे इस स्पोर्ट के अंदर। अच्छा, आपको मुझे बताना है मेरे को कि हाल ही में तीन ऐसे बड़े खिलाड़ी जो न्यूज़ में हैं आपके शूटिंग के अंदर, उनके नाम आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हो। क्लियर है सबको, समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट पे आते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की जो 2 सदस्यीय चयन समिति थे उसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? बहुत ही आसान सवाल है दोस्त, कौन इनमें से अध्यक्ष थे आपके 2 सदस्यीय समिति का? अच्छा एक बार याद रखना, इंडियन क्रिकेट टीम कोचिंग कोच के लिए कमेटी के अध्यक्ष थे कपिल देव, उनको इससे कंपेयर मत करना, वो अलग हैं, ये अलग है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपके सामने है वो है जस्टिस मुकुंदकम शर्मा, ये इस कमेटी के दोस्तों जो थे वो अध्यक्ष के तौर पर सामने आए थे। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वक्त शुरू हुए थे? 85 में शुरू हुए आपके द्रोणाचार्य, 91 में राजीव गांधी। सवाल है अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1961, मतलब ये सबसे पुराने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में से एक है जो लगभग 29-30 साल पहले शुरू हुआ था आपके राजीव गांधी खेल रत्न से, तो 61 में इसको दोस्तों शुरू कर दिया गया था। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज की चर्चा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, हम ऐसे वीडियोस को लगातार अब लाते रहेंगे। 22 अगस्त से मैं आपको बता दूं मेरे शोज़ कौन कौन से आने वाले हैं, उसमें आपका एक रेलवे का शो होगा, एक एसएससी का होगा,
और दो करंट अफेयर्स के होंगे, जिनमें रात में 10 बजे हम ऐसे शोज़ को लेकर आएंगे। और अगर आप इन शोज़ को प्रमोट करोगे, इन शोज़ को आप शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, तो मेरे को अच्छा लगेगा एंड हम ऐसे शोज़ को लगातार लाते रहेंगे। कंटेंट कैसा है प्लीज़ कमेंट करिएगा, फीडबैक कैसा है प्लीज़ कमेंट करिएगा। एंड रिपीट कर रहा हूँ फिर से मैं, रोज़ रात 10 बजे हम कोशिश करेंगे कम से कम मंडे से फ्राइडे कि आपको ऐसे शो लगातार हम लेकर आएँ। तो दोस्तों आपका आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, मिलते हैं अब आपसे बहुत जल्द हम सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर्स एमसीक्यू के अंदर। दोस्तों आपका धन्यवाद, नमस्ते।